ओम अग्ने सर्ग महते सौभगाये तौ द्युम्नानि उत्तमानि सन्तु संजास पात्यं सुयमं नाकडोद्धो शत्रुरतां न वितिष्ठा महांसि। अग्ने हे अग्नि हे अग्रणी प्रगतिशील, जैसा कि सामान्यतः हम लोग कहते हैं, ये वेद मंत्रों में संबोधन मुख्यतः परमेश्वर के लिए होता है। अध्यात्म का ही प्रधान है, इसलिए संबोधन परमेश्वर के लिए मानते हैं। साथ ही जो परमेश्वर के उपासक हैं वे भी उन गुणों को यथा सामर्थ्य यथा शक्ति ग्रहण करते हैं, तो ये संबोधन प्रमुख उपासकों के लिए भी स्वीकार्य है, मान्य है। अग्ने हे अग्रणी प्रगतिशील सर्ग विजय करो, उत्साह करो, उत्साहित हो, विजय करो, तभी इसकी व्याख्या भैया ने पढ़ी तो बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा। महते महत के लिए, महत्ता के लिए, महत्व के लिए, सौभगाय सौभाग्य के लिए, इस सौभगाय शब्द कैसे बना, परिहास में किसी ने कहा भाई लोग ये सौभाग्य ही क्यों कहते हैं, हजार भाग लाख भाग करोड़ भाग क्यों नहीं कहते, सौभाग्य ही क्यों कहते। अब लोगों को व्याकरण प्रक्रिया की जानकारी नहीं है तो वास्तव में उनके लिए बड़ा गूढ़ कठिन प्रश्न हो जाएगा कि भाई लोग सौभाग्य ही क्यों कहते हैं, हजार भाग लाख भाग क्यों नहीं कहते। कहीं कहीं लख लख बधाइयां दी जाती हैं, सौ सौ बधाइयां नहीं दी जाती, कोटि कोटि प्रणाम किए जाते हैं, सौ सौ प्रणाम सामान्यता नहीं सुने होंगे, परंतु यह सौभाग्य तो होता है। क्यों होता है? वैसे तो हम आशा करते हैं कि आप लोग कितना तो समझते होंगे, फिर भी दूसरे लोग जुड़ते हैं तो शब्द है सु, उपसर्ग है सु अर्थात अच्छा उत्तम, भग शब्द उसके बाद आएगा, भग सेवायाम धातु से ये भग शब्द निष्पन्न होता है। सुभग सुंदर सेवा, सुंदर सेवा वाले, सुंदर सेवा से युक्त सुभग, और उसी का गुण हो जाएगा तो सुख का सौभाग्य भी हो जाएगा, सौभाग्य हो जाएगा। यहां सौभाग्य कहा गया है, सुभग सौभाग्य। इसे पुरुष से कौरव, यदु से राघव, यदु से यादव, प्रत्यय या जो कहें गुण होना व्याकरण की प्रक्रिया है। तो सौभगाय उत्तम सेवा के लिए, उत्तम सेवा युक्त लोगों के लिए यह अर्थ है, इस प्रकार से यह शब्द बनता है। कह रहे हैं हे अग्नि अग्रणी प्रगतिशील, आप उत्साहित हो, विजय करो महत के लिए, सौभाग्य के लिए, तौ द्युम्नानि उत्तमानि सन्तु, ये तुम्हारे द्युम्न उत्तमानि उत्तम सन्तु हो। अब आया द्युम्न है प्रकाश, वही द्युत धातु का अर्थ प्रकाश होना, उसी से इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो का अर्थ प्रकाश।
खास कहा गया है, युम्नान उत्तमान बहुवचन में है। आपके ये प्रकाश उत्तम हो, इसमें भी लिखा हुआ है युम्नान के लिए द्युधात अभिगमन करना, अग्रसर होना, द्युत प्रकाश करना, तो तुम्हारे अभिगमन उत्तम हो, ऐसा अर्थ भी कर सकते। जब यहां बात की जा रही विजय करो, तो विजय करने के लिए अग्रसर होना, अभिगमन करना, आगे बढ़ना, यह भाव भी यहां अधिक उपयुक्त हो सकता है। यदि हमने कहीं युद्ध क्षेत्र में विजय, तो कह रहे हैं तुम्हारे अभिगमन उत्तम हो, अर्थात कुशल रणनीति, कुशल व्यूहरचना के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी तो विजय प्राप्त होगी। समजास्पत्यम सुयमम आचरणस्तु, समजास्पत्यम सम्यक रूपेण सृजनशीलता के अधिपति को सुयमम सु उत्तम यम यमन करना, सुंदर नियमन करने वाले को आचरण सो समंता सम्यक रूप से कणुष करो। तो जो सृजनशीलता के अधिपति हैं, जो सुंदर उत्तम नियमन करने वाले हैं, ऐसे लोगों को उत्पन्न करो, समाज में ऐसे लोग उत्पन्न हो, ऐसे लोग तैयार किए जाएं। उत्पन्न करने का भाव ये होता है कि भाई इतने शिक्षक चिकित्सक सैनिक उत्पन्न किए जाए, का अर्थ है उनको प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाए। शत्रु या काम जो शत्रु भाव रखते हैं उनके लिए, उनको अभितिष्ठा महान से अभिता तिष्ठ स्थित करो, महान से महानता के साथ जो शत्रुता की भावना हो उसे महानता की भावना से अवतिष्ठित किया जाए। कोई शत्रुता का भाव रखता भी हो तो हम तो महानता का भाव रख सकते हैं, और हमारी महानता इतनी हो कि उसकी शत्रुता छोटी हो जाए, निष्प्रभावी हो जाए, समाप्त हो जाए। इस भाव के साथ इस मंत्र को सहजता से ग्रहण कर सकते हैं। वेद अध्याय 33 मंत्र त्रयोदशा 13वां मंत्र पढ़ लेते हैं, कि समय है आपके पास और उसमें कुछ विशेष चर्चा करने के लिए था भी नहीं। ओम